नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। आइए रुक करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य खबरों की ओर। नैनीताल में पिता के डांटने पर एक नवी कक्षा के छात्र ने फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि मल्लीताल कोतवाली इलाके में एक व्यक्ति ने घर में किसी बात को लेकर अपने 17 वर्षीय बेटे को डांट दिया। इससे नाराज होकर बेटे ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने जब यह नजारा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद परिजन आनंद फानंद में किशोर को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। लालकुआ में एक छोटा हाथी और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात चालक रंजीत छोटा हाथी लेकर आ रहा था। इसी बीच सामने से आ रहे बेकाबू ट्रक ने छोटा हाथी को टक्कर मार दी। इस हादसे में रंजीत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 के माध्यम से घायल रंजीत को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। चंपावत में एक टाटा सुमो गाड़ी के खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार चार लोगों को घायल बताया जा रहा है। बताया जाता है कि एक टाटा सुमो पार्टी बाजार से घर वापस आ रही थी, तभी चंपावत के छिलका छीना के पास गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई और 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि गाड़ी में सवार चार अन्य लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में चट्टान खिसकने से दो लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुनस्यारी के मिलम मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य में ड्रिलिंग के दौरान अचानक चट्टान खिसक गई, जिस कारण दो मजदूर चट्टान के नीचे दब गए। इस हादसे के दौरान पूरे क्षेत्र में हफरा तफरी मच गई। मजदूरों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद दोनों मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला, जिसमें एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे मजदूर की हालत गंभीर है। उत्तराखंड के सुर सम्राट स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी का 69वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर चांदीखेत चौखुटिया उनकी जन्म स्थली पर रंगारंग कार्यक्रमों से जन्मोत्सव की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि समाज सेवी राहुल अरोड़ा, स्वर्गीय गोपाल बाबू की धर्मपत्नी मीरा गोस्वामी और गणेश कांडपाल ने दीप प्रज्वलित करके किया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत उनके सुपुत्र उत्तराखंड के सुपरस्टार लोक गायक रमेश बाबू गोस्वामी ने अपने पिताजी को समर्पित गीत देवी बाराही गीत गाकर दी। सरकार ने राज्य में कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं, जिसके चलते अब वैक्सीनेशन का द्वितीय चरण 8 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों, होमगार्ड, पीआरडी, पंचायती राज, ग्राम विकास, नगर पालिका, नगर निगम और पुलिस के जवानों एवं कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। इस बात का निर्णय शिविर कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को इस कार्य को करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार 6 फरवरी से 8 फरवरी तक कुमाऊं परिक्षेत्र भ्रमण पर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत वे पुलिस कर्मियों के साथ सम्मेलन, आम जन के साथ संवाद और जनपदीय पुलिस के कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। अशोक 6 फरवरी दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक काशीपुर में रहेंगे और साय 3:30 बजे से 4:30 बजे तक रामनगर। इसके बाद वह 7 फरवरी सुबह 11 से 1 बजे तक अल्मोड़ा में रहेंगे। उसके बाद वह 4:30 बजे से 5 बजे तक बागेश्वर में रहेंगे। इस दौरान कोई भी आमजन उनसे मिल सकता है और अपनी बात उनके सामने रख सकता है। उत्तराखंड में 1 से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल सरकार शिक्षा सत्र 2020-21 के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के 7 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तकों के लिए धनराशि देने जा रही है। इसके लिए शासन स्तर से जिला को धनराशि भी जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए शिक्षा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम की ओर से आदेश जारी किए गए, जिसके तहत अब जल्द ही छात्र छात्राओं के खातों में धनराशि भेज दी जाएगी।
उत्तराखंड में शिक्षकों की प्रतिभा एवं रचनात्मकता को परखने के लिए शिक्षा विभाग संगीत अध्यापकों के लिए प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। यह प्रतियोगिता ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। शिक्षा विभाग इस प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले शिक्षकों को सम्मानित करेगा। इसके लिए गायन, वादन एवं नृत्य की अलग अलग विधाओं में कार्यक्रम जारी किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 17 फरवरी तक पूरी की जाएगी। वहीं राज्य स्तर की प्रतियोगिता 9 एवं 10 मार्च को होगी। प्रदेश में फिर डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो गई। आज 4 फरवरी को एक बार फिर दिल्ली में पेट्रोल डीजल दोनों के भाव में 35.35 पैसे की वृद्धि हुई, जिसके बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 86.65 रुपए प्रति लीटर और डीजल 76.83 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। इसके अलावा मुंबई में भी पेट्रोल 93.20 रुपए प्रति लीटर और डीजल 83.67 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 88.01 प्रति लीटर और डीजल 80.41 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है। चेन्नई में पेट्रोल 79.13 रुपए प्रति लीटर और डीजल 82.04 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बदल रही हैं और रोज नई दरें लागू हो रही हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए JJN News। नमस्कार।